हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी ज्ञान .com में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे RRB रेलवे ग्रुप बी कट ऑफ को लेकर। आखिर कितना जा सकता है कट ऑफ, क्या होगा पासिंग मार्क्स, एग्जाम आपके ख़त्म हो चुके हैं, अब बच्चों को इंतजार है अपने रिजल्ट का। लोगों को ये जानना है कि आखिर जो पासिंग मार्क्स थे वो कितना हो सकता है, कितने परसेंट अंक लाने पर हम रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से अभी रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। उससे पहले आपका री एंसर की या फाइनल एंसर की कह सकते हैं वो जारी किया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट, रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ पासिंग मार्क्स, तो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है आप लोगों के सुविधा के लिए। आप इसके अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो कट ऑफ चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और टाइप करना है सरकारी एग्जाम.com। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। नीचे आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ 2022 का एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो हाँ, हमने एक आर्टिकल भी डाला है कितने नंबर लाना जरूरी है, देखिए रिजल्ट और कट ऑफ, आप इस पर भी क्लिक करके अपना कट ऑफ देख सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको एक पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुरुष उम्मीदवार को 2 मिनट से कम समय में 100 मीटर से अधिक 35 किलो वजन उठाना और उठाने में सक्षम होना चाहिए, इसके अतिरिक्त उन्हें एक ही प्रयास में 4 मिनट 15 सेकंड 1000 मीटर दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों को 2 मिनट में कम समय में 100 मीटर से 20 किलोमीटर वजन उठाना है और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है एक ही प्रयास में। ये तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पासिंग मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स पहले आपको बता देते हैं। तो लिखित परीक्षा सीबीटी के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत इस प्रकार है, समान श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनको 40% मार्क लाना है, EWS वालों के लिए 40%, OBC वालों के लिए 30%, SC और ST वर्ग के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने एक और पेज बनाया है जो कि रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में, यहाँ पे हमने एक बकायदा कट ऑफ तैयार किया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यहाँ पे आप लिंक यहाँ पे अवेलेबल है RRB ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कट ऑफ ओपन हो जाएगा। पिछली बार से कहीं कहीं कट ऑफ कम होने वाले हैं, किसी जोन में कट ऑफ ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जो पिछली बार आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके अनुसार ही आपके इस बार के भी कट ऑफ होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इलाहाबाद का देख सकते हैं, ये जनरल वालों का 70, OBC वालों का 72, SC वालों का 65 और ST वालों का 53। वहीं अहमदाबाद में आप देख सकते हैं कि जनरल वालों का 74 है और OBC वालों का 69, ST वालों का 73 और ST वालों का 60, ठीक है। तो पटना का आप देख सकते हैं जो जनरल के हैं उनको 80 जो उनका कट ऑफ जा सकता है, और OBC वालों का 75 जा सकता है, SC वालों का 65 और ST वालों का 61 कट ऑफ जा सकता है। आप सारे जोन के कट ऑफ यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप अदर साइड से भी हमारा कट ऑफ मिला सकते हैं कि क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही अंतर, थोड़ी बहुत ही सिमिलरिटी आपको मिलेगी, लेकिन जो आपका ऑफिशियल कट ऑफ आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग हो सकता है। थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। तो हमने एक और कट ऑफ तैयार किया है, जैसा कि एक्चुअली कट ऑफ ऑफिशियल द्वारा रिलीज किया जाता है, तो यहाँ पर हमने एक कट ऑफ तैयार कर दिया है। तो आप इससे आके अपना एक्चुअल मार्क्स मिला सकते हैं, जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर तैयार किया है। कि अभी जो फिलहाल आंसर की आई थी जिसके लिए ऑब्जेक्शन भरा जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक कट ऑफ तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजमेर का, अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर का बकायदा कट ऑफ जैसे ऑफिशियली आता है वैसे ही हमने तैयार कर दिया है, वैसे ही आप आके यहाँ से अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स हमने बता ही दिया है, यहाँ भी हमने एक पासिंग मार्क्स का PDF डाल दिया है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपको लाने हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आप अपना ऐसे कट ऑफ चेक कर सकते हैं अपने आंसर की के एनालाइज के बेस पे। अगर आपने एग्जाम दिया है, आपका अपने आंसर की चेक कर लिया है, आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन सही हैं, तो आप यहाँ से कट ऑफ का अंदाजा लगा के ये पता कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है तो आप PT की तैयारी शुरू कर दीजिए। PT में क्या होने वाला है मैंने बता दिया, आपका रनिंग होगा, आपको वेट उठाना है, उसके लेग भागना है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आप PT की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिन बच्चों को अपना कट ऑफ चेक करना है वो सरकारी एग्जाम पे आए हैं, यहाँ पे हमने रिजल्ट का भी लिंक लगाया है, कट ऑफ का भी लिंक लगाया है, यहाँ बॉक्स में भी हमने कट ऑफ का लिंक लगा दिया है, यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं, क्या आपने रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वालिफाई कर लिया, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।